अब आप में से मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि उनको एक बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करना है, लेकिन वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इंटेल के कोर i3-10100F प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए या AMD का राइजन 3-3100 प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों ही प्रोसेसर्स को ऑन पेपर देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं और हो सकता हो आप भी कन्फ्यूज हो जाओ। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना चलो यार एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए और आप लोग को दोनों ही प्रोसेसर के बारे में डिटेल में बताया जाए, ताकि यहाँ पर आप लोग खुद ही डिसाइड कर सके कि आप लोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा। वेल तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय keysclub.in। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप keysclub.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपए में और रिटेल की 1350 रुपए में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कोर i3-10100F प्रोसेसर के बारे में और इसे कंपेयर करेंगे राइजन 3-3100 प्रोसेसर से। अगर आप यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर की प्राइसिंग चेक करते हो तो इंटेल का कोर i3-10100F करेंटली मार्केट में आपको 7400 रुपए का मिल जाता है, वही AMD का प्रोसेसर आपको 9700 रुपए का मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि AMD का प्रोसेसर आपको 2300 रुपीज महंगा देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर अगर आप दोनों ही प्रोसेसर की स्पेक शीट साइड बाय साइड कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलने वाली हैं। मिसाल के तौर पे दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलने वाले हैं और दोनों ही प्रोसेसर में आपको IGPU देखने को नहीं मिलता। यानी कि अगर आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जाते हो तो आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना कंपलसरी है। बिना ग्राफिक्स कार्ड के आपको डिस्प्ले नहीं आएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वहीं यहाँ पर अगर आप क्लॉक स्पीड देखते हो ना, तो इंटेल के केस में यहाँ पर आपको 4.3 GHz का बूस्ट देखने को मिलता है, वहीं राइजन के साथ आपको 3.9 GHz का बूस्ट देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पर AMD को एक एडवांटेज है, अगर आप AMD के केस में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप AMD के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर AMD का जो राइजन 3-3100 है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। आप में से जो लोग थोड़ा सा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा चाहते हैं ना, तो उसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट अनफॉर्चुनेटली आपको इंटेल के साथ देखने को नहीं मिलता। इंटेल का जो कोर i3 है ना, वो लॉक है, आप उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, यानी कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। तो अब स्पेक शीट देखने के बाद हो सकता हो आप भी कंफ्यूज हो गए हो कि यार इंटेल का कोर i3-10100F आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है या राइजन 3-3100। ये चीज़ मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। अगर आप केवल CPU परफॉर्मेंस देखना चाहते हो ना, तो राइजन 3-3100 कोर i3-10100F से मच बेटर CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जी हाँ, यहाँ पर मैं ओवरक्लॉकिंग की बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए Cinebench R15 चलाया ना, तो मैं आपको बता दूँ राइजन 3-3100 आपको 30% बेटर परफॉर्मेंस देता है कोर i3-10100F के मुकाबले। और ये परफॉर्मेंस आपको तब ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप CPU इंटेंसिव टास्क करोगे, जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना हुआ या आपको जिप को जो है एक्सट्रैक्ट कराना हुआ, गेम एक्सट्रैक्ट कराने हुए, या कोई भी CPU इंटेंसिव टास्क आप करते हो ना, तो वहाँ पर आपको राइजन 3-3100 i3-10100 के मुकाबले मच बेटर परफॉर्मेंस देगा। हालांकि अगर आप इंटेल की तरफ जाते हो ना, तो वहाँ पर आप सारे काम कर सकते हो, लेकिन वो काम थोड़े से स्लो होंगे कंपैरिजन टू राइजन 3 के मुकाबले। तो आप यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली समझ गए हो कि राइजन 3 आपको मच बेटर CPU परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपैरिजन टू इंटेल का कोर i3 से। लेकिन व्हाट अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस? अब हर बंदा CPU हैवी टास्क नहीं करता। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं भैया मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, मुझे CPU हैवी टास्क नहीं करने हैं, मुझे नॉर्मली छोटा सा क्रोम चलाना है और मेनली गेमिंग करनी है। गेमिंग के हिसाब से आप मुझे बता दो, गेमिंग के लिए कौन सा बेटर है, इंटेल ले लूँ या AMD? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर अगर मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ ना, तो स्टोरी बिल्कुल सिमिलर है। इवन अगर आप बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले हो, जैसे कि GTX 1650 सुपर, राइजन 3 आपको मच बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। मैं आपको बता दूँ, ऑन एवरेज 5-10% आपको फ्रेम रेट ज़्यादा मिलेंगे राइजन 3 के केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, कोई गेम अगर आप राइजन 3 पे खेल रहे हो, वहाँ पर आपको 60 फ्रेम मिल रहे हैं ना,
तो यार कोर i3 के केस में वहां पर आपको लगभग 50 टू 55 फ्रेम ही देखने को मिलेंगे, और हो सकता हो कोर i3 के केस में कभी कभी आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिले जब आप CPU हैवी गेम खेलोगे। और वही इनकेस अगर आप थोड़ा सा अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो जैसे कि 1660 सुपर, तो वहां पर तो भाई बॉटलनेक और भी देखने को मिलेगा। वहां पर Ryzen 3 आपको मच बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा कंपैरिजन टू कोर i3। तो अब यहां पर अगर आपकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग है ना, तो स्टिल आपके लिए Ryzen 3 3100 मच बेटर रहेगा कंपैरिजन टू कोर i3। कोर i3 भी आपको गेमिंग करवा देगा, थोड़ा सा कम गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, कभी कभार आपको हो सकता हो फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल जाए, लेकिन गेमिंग दोनों ही प्रोसेसर अच्छे से करवा देते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि यार Ryzen 3 3100 आपको बेटर CPU परफॉर्मेंस और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है कंपैरिजन टू इंटेल के कोर i3 10100F के मुकाबले। लेकिन क्या अब हमें एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करके AMD के साथ जाना चाहिए या इंटेल के साथ जाना चाहिए और थोड़ा मनी सेव कर लेना चाहिए, यहाँ पर अब इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी प्रोसेसर के साथ जाते हो तो जाहिर सी बात है प्रोसेसर को चलाने के लिए आपको मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा। मदरबोर्ड की प्राइसिंग भी यहाँ पर काफ़ी अलग है। इंटेल के केस में अगर आप एक H310 मदरबोर्ड लेते हो ना, तो वो मदरबोर्ड आपको 4500 रुपीज़ से लेके 5000 रुपये के आसपास आराम से मिल जाता है। वही अगर आप AMD के साथ जाते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप एक A320 मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो जो कि 4500 रुपीज़ के आसपास मिलता है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप B450 मदरबोर्ड के साथ जा सकते हो जो कि लगभग आपको 6500 रुपये का मिलता है। A320 और B450 में डिफरेंस केवल इतना है, A320 में आपको ओवरक्लॉकिंग भी देखने को नहीं मिलेगी और हो सकता हो Ryzen का फुल परफॉर्मेंस भी ना निकाल पाए। और अगर आप इस मदरबोर्ड के साथ जाते हो तो आपको BIOS भी अपडेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग मारी वाला काम है, परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। B450 के साथ बढ़िया सीन ये है कि यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स BIOS अपडेट मिलता है, और ये मदरबोर्ड ना ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है जिससे कि आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हो। लेकिन फिर आप देख भी सकते हो ये मदरबोर्ड 2000 रुपये महंगा है A320 मदरबोर्ड से। तो अब यहाँ पर अगर आप कॉम्बो प्राइस निकालते हो ना, इंटेल का प्रोसेसर और मदरबोर्ड आपको 12000 रुपये का मिल जाता है, वही AMD का अगर आप प्रोसेसर और मदरबोर्ड लेते हो ना, तो ये आपको 14500 रुपये से लेके 16000 रुपये के आसपास मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2300 रुपीज़ से लेके 4000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए या AMD के साथ जाना चाहिए, अब इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप चाहते हो कि आपको बेस्ट CPU परफॉर्मेंस मिले प्राइस के हिसाब से, या अगर आप चाहते हो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिले, आपका जो प्रोसेसर हो वो ग्राफिक्स कार्ड को बिल्कुल भी बॉटलनेक ना करे, तो आप 16000 रुपए वाले कॉम्बो के साथ जा सकते हो। परफॉर्मेंस में कमी लगती है तो आप उसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप ओवरक्लॉकिंग नहीं करना चाहते लेकिन बदले में परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चाहते हो ना, तो आप A320 मदरबोर्ड विद Ryzen 3 3100 के साथ जा सकते हो। ये कॉम्बो आपको 14500 रुपए के आसपास मिल जाएगा, बदले में परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड मिल जाएगा। वही दूसरे साइड पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके पास बजट, आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बढ़ा सकते, आपके पास बजट बहुत लिमिटेड है, आप कह रहे हो कि भैया मुझे PC ऐसा चाहिए कि मुझे बस कैजुअली काम करना है, कभी कभी इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है, थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करना है और फाइल एडिटिंग करनी है, गेमिंग भी मुझे बहुत कैजुअली करनी है, कोई बहुत हाई फ्रेम रेट नहीं चाहिए, गेम मुझे बस ठीक ठाक खिलवा दे मेरा PC, मेरे लिए इतना बहुत है, तो यहाँ पर आप इंटेल के साथ भी जा सकते हो। परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, आप सारे काम कर लोगे, लेकिन Ryzen 3 के कंपैरिजन में आपको लगभग 30% का परफॉर्मेंस कम मिलने वाला है, जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ आई होप आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन होगी कोर i3 10100F या Ryzen 3 3100 को लेके ना, वो सब क्लियर हो गई होगी और आप यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बाय द वे मैंने दोनों ही प्रोसेसर का डेडिकेटेड रिव्यू भी बनाया है, तो इनकेस अगर आप कोई माइंड मेकअप कर रहे हो और वो प्रोसेसर लेने वाले हो, तो आप उनका डेडिकेटेड वीडियो भी देख सकते हो। मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया और डिटेल में दोनों का CPU परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस भी टेस्ट किया है, आप लोग उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। वेल तो दोस्तों ये तो इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।